हाय सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो कुरान और हम का पार्ट 9 है। आज की इस वीडियो में जो नुमान अली खान है वो दो आयतों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद में वो बताएंगे कि प्रूफ करेंगे एक्चुअली वो इस वीडियो में कि कैसे कुरान का हर लफ्ज जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, मीन्स उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी और वर्ड के साथ में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें वो कुछ आयतों को कंपेयर करेंगे और फिर हमें पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أمين يا رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين। आज के सेशन के शुरू में ही पहले मैं एक बात दोबारा दोहरा दूं कि मेरा इस सीरीज़ का मकसद कुरान की खूबसूरती को ज़ाहिर करना है, कुरान की परफेक्शन उसके इकमाल तकमील को ज़ाहिर करना है और इस बात का जो हम बार बार दावा करते हैं कि कुरान का हर लफ्ज़ अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, उसको अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता, उस क्लेम को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश है। तो इस स्टडी का एक ख़ास मकसद एक तरह से प्रैक्टिकल तो नहीं है, प्रैक्टिकल होता कि इसमें से क्या फतवा निकलेगा, क्या अमल करना है ये समझने के बाद, वो एक जगह अपनी वो एक अहम बात है, अहम बहस है। दूसरी जगह एक अहम बहस ये है कि किसी चीज़ की खूबसूरती को, किसी चीज़ की परफेक्शन को, किसी चीज़ की के कमाल को माना जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, तो ये अप्रिशिएशन की बात हो रही है। अच्छा, इस सिलसिले में क्योंकि मैंने जब ख़ुद से कुरान पढ़ना शुरू किया और पहली जो सोर्सेज मेरे पास जिनकी एक्सेस थी वो ज़्यादातर अक्सरियत जो तालीफ़ मैंने पढ़ी है, जो किताबें पढ़ी हैं वो गैर मुस्लिम की लिखी हुई किताबें हैं और उनकी किताबों में ज़्यादातर तनकीद ही होती है और ये एक तरह से तनकीद ही थी कुरान की जो पहले मैंने पढ़ी कि द कुरान रिपीट्स इटसेल्फ टू मच, कुरान में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है, उसके अल्फाज कहा जाता है, मुसलमान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा करते हैं कि उसका हर लफ्ज़ अपनी जगह पर बिल्कुल उसी तरह रह सकता है, अपनी जगह से हट नहीं सकता, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। देखो उन्होंने और मिसाल भी दी, मुझे याद है मैंने एक पेपर में पढ़ी थी कि कुरान में दो जगह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एक जगह मक्का और दूसरी जगह बक्का। सूरह मोहम्मद में मक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वल्लज़ी कफ़ा अय्दियहुम अन्कुम व अय्दियकुम अन्हुम बिबत्नी मक्का, सूरह मोहम्मद की 24वीं आयत है, सूरह नंबर 48 आयत नंबर 24। और दूसरी तरफ सूरह आले इमरान में उसकी आयत नंबर 96, सूरह नंबर 3 आयत नंर 96, उसमें है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, बक्का का लफ्ज़। तो दावा यह किया गया कि देखो एक तरफ बक्का एक तरफ मक्का और दोनों उसी शहर के नाम है, किसी और शहर का तो नाम नहीं है, तो अगर जिस आयत में बक्का है वहाँ मक्का कह दो और जहाँ मक्का है वहाँ बक्का कह दो, तो बात तो एक ही है, जगह तो एक ही है, मकान तो एक ही है, तो फ़र्क क्या पड़ा? ये कैसे कह देते हो कि हर लफ्ज़ अपनी जगह पर ही रखना है, उसको अपनी जगह से नहीं हटा सकते? तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। असल में बात समझने के लिए ये है इस शहर के दो नामों के मुतालिक कि शहर का पुराना नाम बक्का था, यानी उसका कदीम नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का नाम, जब वो बल्कि शहर भी नहीं था, एक इलाका था। उसकी कुरान में जो तशरीह है, उसकी कुरान में जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है बिवादिन गैरी थी दर, ऐसी वादी जिसमें कुछ उगता नहीं और कोई इंसान नाम की चीज़ नहीं। अकेले आए थे वहाँ पर और उस जगह को देख के उन्होंने दुआ की थी, यू नो रब्बना रब जाल हाजा बलदन आमिनन, इस जगह को एक पुरअमन शहर बना दे, यानी शहर था नहीं वो, बस ये वीरान जगह है, उसको या अल्लाह इसको शहर बना दे। अच्छा, उस जगह का उस वक्त नाम क्या था? बक्का, बे से। बाद में कसरत इस्तेमाल की वजह से लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया ये लफ्ज़ और बाद से ये मीम में बदल गया और लफ्ज़ इसका नया नाम बन गया मक्का। इस तरह समझ लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में या उनसे पहले की बात है कि पुराना नाम इस शहर का बक्का होता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कुरैश के दौर में, अब इसका नाम बक्का नहीं, इसका नाम मक्का। अच्छा, अजीब बात कुरान में यह है कि जब पुराने ज़माने की बात हो रही होती है तो बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, सूरह आले इमरान की आयत है, पहला घर जो इंसान के लिए अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया था, रखा गया था, वो बक्का के मकाम पर था। अब जब पहले बनाने की बात हो रही है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कवायद घर के डाले, फाउंडेशन डाली, इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ घर बना रहे हैं, ये अब की बात है या पुरानी बात है? बात तो पुरानी है, जब पुराने ज़माने की बात हो रही है तो पुराने ज़माने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए बक्का इस्तेमाल हुआ है।
यानी अगर उस आयत में मक्का इस्तेमाल करते तो एक तरह से तनकीद होती कि नहीं नहीं उस वक्त तो मक्का था ही नहीं, उस वक्त तो ये लफ्ज़ भी नहीं था, उस वक्त तो सिर्फ मक्का था, तो इसीलिए वहाँ पर मक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ सूरह मुहम्मद में जो आयत है उसमें जिक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ यानी पिछली तारीख का जिक्र है। अब वो मदीने में है, सूरह मुहम्मद मदनी सूरत है, अब वो मदीने में आ चुके हैं और ये मदीने की पहली सूरतों में से है। अच्छा, अब जिक्र हो रहा है कि जब तुम लोग मक्के में थे, जब सहाबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, सो हुवल्लज़ी कफ़ा एदियहुम अन्कुम, वही अल्लाह है, वही है जिसने तुम लोग उनके हाथ तुम पर से रोके रखे और तुम्हारे हाथ उन तक पहुँचने से रोके रखे, यानी लड़ाई ना होने दी, जंग ना होने दी। ये कब की बात है? ये मक्की दौर की बात है और अभी अभी मदीने मूव हुए हैं। तो ये पुराने ज़माने की बात हो रही है, अभी कुछ रिसेंटली की बात हो रही है, अभी अभी जब यानी रसूल से अभी की बात हो रही है, अभी अभी मदीने मूव हुए हैं और अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है कि मक्के में थे, तो ये कंटेम्प्रेरी बात हो रही है, उसी वक्त की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए? मक्का। तो इसीलिए हुवल्लज़ी कफ़ा अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्का, मक्का का इस्तेमाल। इसी तरह कल सेशन ख़त्म होने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक मदीना और दूसरा यसरिब। मदीने का लफ्ज़ कुरान में चार दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, यसरिब का लफ्ज़ यसरिब सा के साथ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है सूरह अहज़ाब में, बल्कि सूरतुल अहज़ाब में और जगह भी मदीना ही इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक मरतबा कुरान में यसरिब का जिक्र है। तो ये भी अजीब मालूम होता है कि यसरिब और मदीना तो एक ही मकान है, तो एक ही जगह हर जगह एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता, क्या फ़र्क पड़ता? और यहाँ एक मकाम पर यसरिब इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा? अगर मदीना एक दफ़ा कह दिए तो हमेशा ही मदीना कहो। और यही हमारी आदत है असल में, जब हम एक शहर का, अगर एक शहर के मुख्तलिफ नाम हो और आपकी ज़बान पर एक नाम चढ़ जाए तो आप वही इस्तेमाल करते हैं, दूसरा आपकी आदत नहीं रहती इस्तेमाल करने की। जैसे मैं न्यूयॉर्क में रहता था, जो बाहर रहते हैं ना न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क में नहीं रहते, वो शहर को मैनहट्टन कहते हैं, मैनहट्टन। जो शहर में रहते हैं, क्वींस में रहता हो, ब्रुकलिन में रहता हो, ब्रॉन्क्स में रहता हो, लॉन्ग आइलैंड में, उसको सिटी कहते हैं, उसे मैनहट्टन कोई नहीं कहता। और कोई अगर आके कहे ना आई एम गोइंग टू मैनहट्टन, पता चल जाता है ये बाहर से आया हुआ है, क्योंकि अंदर शहर में रहने वाला कोई उसको मैनहट्टन नहीं कहता, उसको द सिटी, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, समझ रहे हैं ना? तो अगर एक दफ़ा आपकी ज़बान पर एक लफ्ज़ चढ़ जाए, उसकी आदत आपको पड़ जाए, तो आप वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, दूसरा लफ्ज़ आपकी आदत नहीं रहेगी इस्तेमाल करने की। तो फिर एक और क्यूरियस सी बात बन जाती है कि कुरान में एक दफ़ा हर जगह उसको मदीना मदीना मदीना, चार मरतबा मदीना, उसी सूरत में मल्टीपल दफ़ा मदीना, दो दफ़ा और मदीना, फिर एक दफ़ा उसको यसरिब क्यों कहा? समझने की बात यह है कि मदीना का लफ्ज़ असल में अरबी में जेनेरिक किस्म का है, आम लफ्ज़ है, उसका ताल्लुक किसी ख़ास मकान से नहीं है। मदीना का लफ्ज़ अगर डिक्शनरी में देखें तो मदीना के मायने हैं शहर, मदीना के मायने हैं शहर। अच्छा, मदीना का लफ्ज़ असल में शॉर्ट है, उसका पूरा नाम था मदीनतुन्नबी, मदीनतुन्नबी यानी नबी का शहर। और ये लकब शहर को उस वक्त दिया गया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हिजरत करके गए, वहाँ के एक तरह से गवर्नर बन गए, यहूद के और नसारा के तमाम कबीलों ने उनको डिफैक्टो गवर्नर रूलर मान लिया, यहाँ तक कि उनके भी अगर आपस में इख्तिलाफात होते तो वो रसूल के पास आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए ये उनका शहर हो गया, इसीलिए उसे मदीनतुन्नबी कहा जाता है। मदीनतुन्नबी से छोटा करके क्या बन गया? अलमदीना, अलमदीना यानी अलमदीना इज़ शॉर्ट फॉर मदीनतुन्नबी, असल टर्म है मदीनतुन्नबी। ये बहुत अहम चीज़ है, असल में मदीना का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करेगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवर्नर मान चुका, ये बात है असल में, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकमियत मान ली, उनका रूल मान लिया, उनकी गवर्नेंस मान ली, उसके लिए मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना आसान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आ तो गए हैं, गवर्नर तो बन गए हैं, हकमियत तो है, कुव्वत तो है, लेकिन उसने दिल से नहीं मानी बात, उसके दिल में अभी भी ज़रा एहतजाज है कि इनको क्यों इख्तदार मिल गया, इनके पास क्यों गवर्नरशिप आ गई, मेरे पास क्यों नहीं आई। असल में ये मामला अब्दुल्लाह इब्न उबई और उसके कुछ साथियों का है, ये मुनाफिकून में शुमार होते थे, उसको तो मदीने का बादशाह उसको करार देने वाले थे, उसका तख्त भी तैयार हो चुका था जब रसूल सल्लम मदीने आए हैं, उसकी तमाम इलेक्शन कैम्पेन और तमाम उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी सब कैंसिल हो गई और उनकी जगह अब रसूल सल्लम को लगा दिया गया। अब वो बिल्कुल एक तरह से इररेलेवेंट हो गया इंसान, पॉलिटिशियन था, सियासतदान था, इररेलेवेंट हो गया, तो उसको तो फिर खुजली होती है कि मैं किसी तरह पब्लिक आई में तो रहूं। तो उसने खुलकर इस्लाम का दावा कर दिया कि मैं भी मुसलमान हूं। अब मुसलमान वो इसलिए हुआ था और उसके साथी इसलिए हुए थे कि अगर मुसलमान ना होते तो विनिंग पार्टी के साथ ना होते। अगर आपने सियासत में रहना है, यू हैव टू बी विद द विनिंग पार्टी, तो उसका ये सियासी मूव था कि वो मुसलमान हुआ। अच्छा, होता ये था कि वो जब जंग करने की बात आती थी तो नहीं आता था, जंग के बाद अगर कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद कुछ थोड़ा सा आवाज़ देना है,
कोई जुमे का खुतबा देना है, कोई इशा की नमाज़ के बाद कुछ खिताब करना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनके खड़े होने से पहले खुद खड़ा हो जाता था, कहता था लोगों ये अल्लाह के नबी हैं, गौर से बात सुनना, फिर बैठ जाता था। अब तमाम जो बैठे हैं सहाबा मुहाजिरून और अंसार, उनको अच्छी तरह पता है कि वो अल्लाह के नबी हैं और किसी को इस अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं थी। असल ज़रूरत उसे थी माइक पकड़ने की, क्योंकि सियासतदान अगर पब्लिक आई में ना हो, वो बार बार अपने आप को ज़ाहिर ना करे तो लोग उसे भूल जाएंगे, तो उसकी ये एक तरह से उसकी एक टैक्टिक थी। अच्छा, अब उसको भी ज़ाहिर ये करना था कि उसकी तमाम लॉयल्टीज़, उसकी तमाम वफ़ादारी नबी के साथ है, मुसलमानों के साथ है। और वफ़ादारी का इजहार करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि मदीना किस चीज़ के लिए शॉर्ट है? मदीनतुन्नबी। इसीलिए सूरह मुनाफिकून में, सूरह मुनाफिकून नफाक क्या है कि ऊपर से तो इंसान ईमान का दावा करे, अंदर से जो कुछ भी फसाद हो फसूक हो वो अंदर ही अंदर है, ठीक है ना। अब लेकिन बाहर से ये जाहिर करे कि मैं वफ़ादार हूँ, मेरे पास लॉयल्टी है, मैं भी इन्हीं को अपना गवर्नर मानता हूँ, मैं भी इनको अपना अमीरुल मोमिनीन मानता हूँ, मैं भी इनको नबी मानता हूँ। इसीलिए सूरह मुनाफिकून में जब मुनाफिक दावा करता है तो दावा क्या करता है? لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل। जब हम मदीने वापस जाएंगे तो इज्जतदार और जो जिनके पास इज्जत नहीं है, जलील लोग हैं, जिनकी कोई कमज़ोर लोग हैं, इनसे हम अलग अलग हो जाएंगे, खुद पता चल जाएगा मदीने वापस जाके। मदीने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि वो कहना चाहते थे कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी उनको नबी मानते हैं, वो हमारे गवर्नर भी हैं। अब असल बात कहने की ये है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है ताकि ये फ़र्क समझ में आ जाए, ये बहुत गहरा फ़र्क है। मुनाफिक कुरान का सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, मुनाफिक के बारे में जितनी बात कुरान में हुई है और जितनी गहरी बात हुई है, जितनी अलामात और जितनी यानी मिसालों को दे कर बात हुई है, और किसी सब्जेक्ट पे इस तरह बात नहीं हुई। कुफर का मामला साफ साफ है, ईमान का मामला साफ साफ है, निफाक जो है ना ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी पेचीदा किस्म की चीज़ है, ये आराम से समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए बकरा, सूरह बकरा में भी शुरू में अल्लज़ीना यूमिनूना बिलगैब ईमान वाले, इनल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम कुफर वाले, फिर फी कुलूबिहिम मरदुन जिनके दिल में मरज हो वो कौन है? मुनाफिक। उनके बारे में तीन तीन मिसालें, फिर उसके बाद पूरी बनी इसराइल की कहानी। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल की सारी कहानी ही निफाक की कहानी है, वो सारा मसला ही निफाक का है। सूरह निसा में 60 आयात सिर्फ निफाक के मसले पे, सूरह तौबा का इतना बड़ा हिस्सा निफाक के मसले पे, सूरह अहज़ाब का इतना बड़ा हिस्सा निफाक के मसले पे, ये बहुत बड़ा मसला है कुरान में। अच्छा, अब निफाक क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें मसला है क्या, मुश्किल क्या है उसमें? मुश्किल ये है कि शक्ल से बाहर से तो दावा है ईमान का, मसला है तो कहाँ है? अंदर अंदर है, किसी को नज़र नहीं आता। अगर मेरे अंदर निफाक की बीमारी है तो मुझे पता है, अल्लाह ताला को पता है, शायद मुझे भी नहीं पता, गैर शोरी किस्म का निफाक है, अल्लाह ताला को मालूम है। अब निफाक कैसे पता चले किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं है? इसका भी एक अजीब फार्मूला है कुरान के अंदर। अब ये फार्मूला समझ लें फिर ये बात समझ आएगी। फार्मूला ये है कि आसान हालात में, जब हालात आसान हों तो मुनाफिक और मोमिन का फ़र्क पता नहीं चलता। जब हालात कैसे हों? आसान हो। जब हालात मुश्किल हो, जब हालात मुश्किल हो और बड़ी इब्तिला हो, बड़े इम्तिहानात हो अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर मुनाफिक खुद सामने आके अपने ऊपर सर पे स्टिकर लगा के कह देता है, यार मैं मुनाफिक हूँ, मैं असल में नहीं माना। उसको आपको उस पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आके कह देगा। आपको बस इंतज़ार करना है मुश्किल हालात का। आसान हालात में आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं पता, मुश्किल हालात में वो खुद ही अपने आप को जाहिर कर देगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, आसान हालात में मुनाफिक भी कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? मदीना। मदीना क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि मदीना से पता चलता है कि उनकी वफादारी भी रसूल से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब आइए सूरतुल अहज़ाब की आयत पे जिसमें यसरिब का लफ्ज़ इस्तेमाल है। यसरिब पूरे मदीना का शहर घिरा हुआ है। मक्के वालों ने अब मुआहदा किया है काफ़ी दूसरे कबीलों से, यार तुम सब मिलके हमारे साथ एक मरतबा हमला करो और इस इस्लाम जो इस्लाम का मसला खड़ा हुआ है इसको ख़त्म करो। अभी तो इनका झगड़ा हमारे साथ है, मक्के वालों के साथ है, लेकिन अगर ये हमसे जीत गए फिर तुम्हारी शामत आएगी। इस शामत आने से पहले ऐसा करते हैं, हम अपनी एक यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड ट्राइब्स फॉर्म करके एक दफ़ा में ही हमला करते हैं और ये सारा मसला ख़त्म कर देते हैं, चलो इकट्ठे मदीना पे हमला करते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ कबाइल मक्के वालों के साथ कन्विंस होकर मदीना पे हमला करने को तैयार हैं। कुछ सामने से आ रहे हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं, यानी मदीना का अगला बॉर्डर और मदीना का पिछला बॉर्डर दोनों ख़तरे में है। इस तरह भी समझ लें कि चारों तरफ से ख़तरे में है। अच्छा, वो एक वाहिद तजवीज़ जो है जो सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसीलिए इस जंग को ग़ज़वा खंदक कहा जाता है कि एक खंदक खोदी गई, एक डिच बनाया गया ताकि उसको लोग
आगे क्रॉस ना कर सकें, घोड़े ना गुजर सकें, ऊँट ना गुजर सकें और नीचे से उतर के आना पड़े, तो लोग अब आर्मी बाहर है और हम अंदर फंसे हुए मदीने के। अच्छा, जब हम अंदर फंसे हुए मदीने के तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बाहर से जो होती है वो बंद, एक तरह से बॉयकॉट कर्फ्यू हो गया है मदीना के अंदर, जो खाना है वो है, बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तक के रिवायात हैं कि लोग अपने आप को रिलीफ करने जाते थे तो शहर, पुराने ज़माने में बाथरूम वगैरह तो थे नहीं, लोग बाहर जाते थे शहर के कोई वीरान जगह पे, वहाँ जाके फारिग होके आते थे, वहाँ भी जाते थे तो नेज़े फेंकते थे उन पर, तो इतना मसला हो गया था। अब मदीने के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशन हैं, मदीने के अंदर मुसलमान हैं, मदीने के अंदर मुसलमान हैं, मदीने के अंदर यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं और मुनाफिक भी हैं जो मुसलमान के भेद में हैं। अच्छा, अब मुनाफिक ने कहा, यार हम तो मुसलमान पार्टी में इसलिए शामिल हुए थे कि पता चलता है कि ये कुरैश से भी टक्कर लेने को तैयार हैं, इन लोगों ने तो पूरा अरब फतह कर लेना है, अगर इस पार्टी के साथ रहे तो बड़ी बड़ी दौलत मिलेगी, बड़ा कुछ मिलेगा। अब तो वो वादे पतले मालूम होते हैं, देखो ज़रा क्या हाल हो गया है, अब तो हम अपने आप को बाहर भी थोड़ा सा बाहर भी लेके जाओ तो नेज़े फेंकते हैं हम पे, तलवारों का खौफ है, अब तो खाने को कुछ नहीं बचा, ये लोग तो अंदर आके हम सबको कत्ल कर देंगे। इस मुश्किल हालत में क्या अल्फाज निकले मुनाफिक के मुंह से, या अहला यसरिब ला मुकावलकुम फरजीउ, यसरिब के लोगों अब तो कोई जगह नहीं बची, चलो वापस आ जाओ। वापस आ जाओ क्या मतलब, वापस इसको यसरिब बना दो, मदीना का चक्कर छोड़ो, मदीना वाली बात छोड़ो, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, अब उस चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वापस इसको यसरिब ही बना दो। यसरिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ही ये बात ज़ाहिर हो गई कि इन लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी नहीं है, उनको मुनाफिक कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस यसरिब के इस्तेमाल से उनका निफाक ज़ाहिर हो गया, सिर्फ इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से। इसीलिए कह रहा हूँ कि कुरान का लफ्ज़ जब अपनी जगह पर होता है और उसको आप गौर से पढ़ें, गौर से समझें, तो ऐसी ऐसी हिकमत निकलती है कि इंसान हैरान रह जाता है, अल्लाह ताला ने कैसे इन लोगों को एक्सपोज़ किया है, कैसे सीरत की हिकमतें हमारे सामने ज़ाहिर की हैं। इसी तरह आज तक हमारा मसला यही होगा, जब लोग निफाक जब मुश्किल हालात में होंगे ना, तो फौरन ऐसी ऐसी बातें दीन के ख़िलाफ़ भी करने को तैयार हो जाएंगे जो पहले नहीं करते थे, पहले नहीं करते थे। लेकिन जब एक तरह से पॉलिटिकल टाइड हो, एक तरह से ट्रेंड हो सोसाइटी में, हर कोई दीन की तनकीद कर रहा है, अगर आपने उस क्राउड के साथ अपनी स्पेस बनानी है तो आपको भी कुछ उल्टी सीधी बातें तो करनी पड़ेंगी, और लोग करने को तैयार हो जाते हैं, बड़ी आसानी से करने को तैयार हो जाते हैं, उसके लिए बड़े स्पॉट मिलते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें, जैसे यहाँ अमेरिका में 9/11 के बाद काफ़ी सारे मुस्लिम एक्सपर्ट टीवी पर आने को तैयार थे और ये बात करने को तैयार थे कि कुरान में बहुत एक्सट्रीमिज़म है, और ये वही लोग हैं जो हमारे साथ ईद की नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे साथ मस्जिदों में भी कभी कभार जुमे भी तशरीफ़ ले आते हैं, ये वो हजरात हैं जिनको इंटेलेक्चुअल माना जाता है हमारे सर्कल्स में। लेकिन जब एक तरह से अपॉर्चुनिटी खुली कि CNN पे इंटरव्यू मिलेगा, फॉक्स पे इंटरव्यू मिलेगा, तो फिर इट्स ईजी टू सेल योरसेल्फ, इट्स ईजी। और फिर तो ये दिस मुस्लिम ये सब एक्सट्रीम है, यू नो, इनको हाँ इनको ये एक्सपर्ट है, इसको बोलने का मौका दो, और जो सही बात कर भी सके मुसलमानों के बिहाफ पे उसको तो मौका ही ना दो ना। तो ये मसला अब तक खड़ा रहेगा, सुभानअल्लाह। और ये इस तमाम की हिकमत सिर्फ दो अल्फाज के फ़र्क से, मदीना और यसरिब के फ़र्क से। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये प्रूफ करती हैं सारी बातें कि जो कुरान में वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक वर्ड दूसरे वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता, इवन दो उनके मीनिंग सेम भी हों, जैसे मक्का और बक्का उन्होंने बोला था, बट वो पुराना नाम वो बक्का यूज़ करते थे जब वो बसने से पहले, उसके बाद में जब वो बस गया पूरा तो उसको मक्का कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये मतलब इतना बारीकी से ना कोई भी नहीं सोच सकता कि मतलब एक चीज़ को ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे इंडिया में मुंबई, तो पहले नाम जो था वो बॉम्बे था, फिर चेंज होके मुंबई हो गया, तो अभी मोस्टली सब लोग मुंबई बोलते हैं। अगर बाई चांस बॉम्बे बोल भी दिया तो लोग बोलते ठीक है, अगर बॉम्बे बोल दो या मुंबई बोल दो, ऑल दो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर मुंबई ही लिखा जाता है, बट लोग आज भी कोई बॉम्बे बोल देता है, कोई मुंबई बोल देता है। बट जो कुरान में यूज़ किया गया है उसके पीछे लॉजिकल रीज़न है कि अगर वो चीज़ पहले को, अगर वो कोई वाक्या पहले का बता रहे हैं जिस टाइम पे वो शहर बसा नहीं था, तो उन्होंने बहुत ही यू नो उन्होंने वही नाम यूज़ किया है जो उस टाइम पे था, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली किसी भी नाम से एड्रेस कर दिया। इन द सेम वे यसरिब और मदीना,
तो जब मदीना शहर बसा नहीं था उससे पहले उसको यसरीब बोलते थे, और बसने के बाद में उसे मदीना बोलना शुरू किया। तो जब कुरान में कोई ऐसा वाक्या बताया जाता है जो कि उस सिटी को बसने से पहले का है, तो उसमें उन्होंने यसरीब को यूज़ किया है, और उसके बाद में बाद के वाक्या जो शहर को पूरी सिटी जब बस गई थी उसके बाद के हैं, तो वहाँ पर वो अच्छे से मदीना का वर्ड यूज़ करते हैं, मदीना नाम यूज़ करते हैं। ये देखने में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इससे पहले भी कुरान और हम वाली एक वीडियो में हमने दिखाया था कि अगर और जब दोनों में अगर हम वैसे बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं लगता कि अगर और जब दोनों सेम मीनिंग, हम बोले कि मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इतना मतलब कोई नहीं सोचता, इवन जब उन्होंने बोला भी था जब और अगर दोनों में क्या है, तो सडनली मेरे माइंड में ये स्ट्राइक नहीं किया कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, बिकॉज हम बोलते हैं कि मीनिंग तो मोर और लेस सेम ही है, बट मोर और लेस सेम होना डजंट मीन कि उनका मीनिंग भी एग्जैक्टली सेम है। और जैसे कि उन्होंने बताया था कि कोई मदर जब अपने बेटे का वेट करती है तो वो बोलती है जब मेरा बेटा आएगा, उसमें उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा बेटा आएगा। अगर मेरा बेटा आएगा रिप्रेजेंट करता है कि उनको थोड़ा सा डाउटफुल है कि अगर मेरा बेटा आएगा तो मैं उसके लिए ये बना लूँगी, बट जब वो बोलती हैं कि जब मेरा बेटा आएगा, इट मीन्स वो कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा बेटा आएगा। तो ये देखने में वर्ड बहुत छोटे लगते हैं, और हम लोग ऐसे ही मोटा मोटा देखें तो हमें लगता है कि इसमें क्या ही डिफरेंस है, चाहे ये वाला वर्ड यूज़ कर लो या वो यूज़ कर लो, जब उनका मीनिंग सेम है। बट नहीं, जो वर्ड यहाँ यूज़ होना चाहिए एग्जैक्टली कुरान में वहीं पे यूज़ किया गया है। ओके जी, आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।